मैं शोभिता आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। पहले बहुत ज्यादा बिजी थी, उसके बाद कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। आज सोचा कि एक वीडियो बनाती हूँ और आज मैं बात करूंगी कि हमारे पास, हम लोग बहुत सारा काम अपने लिए इकट्ठा कर लेते हैं। हमारे पास इतना सारा काम होता है कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, पर टाइम तो उतना ही होता है। जैसे अब मैं सोचती हूँ मुझे अपने घर की क्लीनिंग भी करनी है और कुकिंग भी करनी है, उसके बाद अपना थोड़ा सा टाइम घर में स्पेंड करना अपनी सेल्फ केयर के लिए, मार्केट भी जाना है और कई बार होता है आपने एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग के लिए जाना है और खाना तो खैर बनाना ही होता, दोनों टाइम का ब्रेकफास्ट ही बनाना है, खाना भी बनाना है, सब कुछ बनाना है। और पर ये होता है कि आपके पास वक्त की बहुत कमी होती है, आप वो सारी चीजें पूरी नहीं कर पाते हो अपने लिए, पाइल अप होती जाती है आपके साथ चीज, आपको फ्रेंड्स को भी मिलना है, कुछ और भी काम करने हैं। तो ये टॉपिक आज मैं लूंगी, हाउ टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड कमिटमेंट्स। जो चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं है जिंदगी में, उनसे हम कैसे छुटकारा करें, उनसे कैसे हम गेट रिड करें, कैसे उन चीजों को हम छोड़ें। तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें सजेस्ट करूंगी, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगी। पर इससे पहले आप मेरे चैनल शोभिताज व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो हमने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें इकट्ठी करी हुई है, जिम भी जाना है, शॉपिंग भी जाना है, फैमिली को टाइम देना है, खाना बनाना है, क्लीनिंग करनी है, ये करना वो करना है। तो इसके लिए आप क्या करें, एक तो आपको कुछ चीजों के लिए नो कहना आना चाहिए, ना कहना, से नो टू सर्टन थिंग्स। तो आप पहले तो एक लिस्ट बना लीजिए कि आपकी क्या क्या काम है, उसमें से आप देखिए आपकी प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी आपकी खाना बनाना प्रायोरिटी है, बच्चों को देखना प्रायोरिटी है, फैमिली को टाइम देना प्रायोरिटी है, ये तो आपकी है, क्लीनिंग भी प्रायोरिटी है। तो और जो चीजें आपको लगती है कि आपकी प्रायोरिटी लेवल पे नहीं है, तो उनको आप एक क्रॉस लगाते जाइए। कोई जरूरी नहीं है कि क्रॉस आप एक ही दिन में लगा लें, वीकली भी आप एक एक चीज को उसमें से डिलीट कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, और उन चीजों को आप प्रॉपर एक टाइम दे सकते हैं कि मैंने ये करना है, ये मेरी प्रायोरिटी है, मैंने ये करना है, ये मेरी सबसे पहले जरूरत है। तो इससे आप मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस से बचे रहेंगे, क्योंकि आप जितना अपने ऊपर बोझ लादते हो उतना ही आपको मेंटल स्ट्रेस भी होता है और फिजिकल स्ट्रेस भी होता है। तो आप ये सारी चीजें एक एक वीकली आप डिलीट करते जाइए, हर संडे को आप कर लीजिए कि आपने एक चीज पे क्रॉस लगाना है कि जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। और वो अगर काम, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही उनको छोड़ दें, उनको अपनी लाइफ से ही डिलीट कर दें, नहीं, अगर वो आप काम कोई और कर सकता है तो आप उसको दे दीजिए वो करने के लिए। कोई जरूरी नहीं है आपको ही हर काम करना है, आपको अपनी हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ मेंटेनेंस के लिए आपको जरूरी है कि आप काम को डिवाइड कर दीजिए। सो आपको कई चीजों को नो भी कहना पड़ता है, किसी ने भी जो भी आपको कुछ कहा आपने उसको कमिट कर लिया। आपको जो चीज लगती है आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है, आप नहीं कर सकते हो या बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, उसके लिए आप नो भी कह सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं करूंगी इस चीज को या मैं करूंगा इस चीज को, उसको मतलब आप एक अलग साइड में रख सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर चीज जो आपके पास है वो आप करते जा रहे हो, सो आपने अपनी सेल्फ केयर के लिए भी टाइम देना है कि आप अपने आप को कैसे ठीक रखते हो। जब आपकी हेल्थ है, आप खुद ठीक हो, तभी आपकी सारी काम भी ठीक से होंगे। सो इसीलिए आपको ये, मेरे से कल किसी ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप ये बताओ, मैंने एक वेलनेस टिप डाली थी कि से नो टू एक्स्ट्रा कमिटमेंट्स। तो मेरे से पूछा था मेरी कजन ने कि इसको हाउ, तो आज मैं उसकी इस बात का जवाब दे रही हूँ कि ये इस तरह से आप नो कह सकते हैं टू एक्स्ट्रा कमिटमेंट्स, आप गेट रिड हो सकते हैं टू फॉर एक्स्ट्रा कमिटमेंट्स। उस टिप का ये था गेट रिड ऑफ अनवांटेड कमिटमेंट्स, तो उसका ये आंसर है हाउ टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड कमिटमेंट्स कि आप अपनी एक लिस्ट बनाइए, उसमें से अपनी प्रायोरिटी सेलेक्ट करिए और काम को डिवाइड करिए, और जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो आगे आप किसी और को भी दे सकते हैं करने के लिए।
तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, आपका स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक करना, शेयर करना और इसको यूज में लाना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर।